हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के सिलेबस की। इस वीडियो में इसके सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और फिजिकल फिटनेस टेस्ट तथा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बताया जाएगा। इसके साथ ही अगर आप सिलेबस के ऑफिशियल पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और कमेंट में पिन किया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके ऑफिशियल सिलेबस के पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप घर बैठे सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी द्वारा प्लस सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें आपकी डेली लाइव क्लासेस होंगी, लाइव टेस्ट और क्विज करवाई जाएंगी, रेगुलर मॉक टेस्ट होंगे जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए, आपका सारा सिलेबस कवर कराया जाएगा और कोर्स के पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। अनलिमिटेड एक्सेस दिया जाएगा, आपको केवल एक प्लान लेना होगा। उसके बाद जो है आप सभी बैचेस का एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको केवल 533 रुपये पर मंथ देने होंगे। लेकिन आप ये प्राइस ना पे करें, आप यहाँ पर व्यू प्राइसिंग पे क्लिक करें। उसके बाद आप यहाँ पर अपना प्लान सेलेक्ट करें और यहाँ पर एसआर अड्डा कूपन कोड यूज़ करें, जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा 10% का। तो यहाँ पर SRADDA टाइप करें और अप्लाई बटन पर क्लिक करें। उसके बाद आप प्रोसीड टू पे क्लिक करें। यहाँ पर आप लॉगिन करके अपना पेमेंट कर सकते हैं, उसके बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसमें सबसे पहले आपका रिटेन एग्जाम होगा, जिसमें दो पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। और उसके बाद आपका इंटरव्यू तथा पर्सनालिटी टेस्ट होगा। अब बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। तो फर्स्ट पेपर के रिटेन एग्जाम में दो पेपर होंगे। पहला पेपर आपका जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस का होगा, जो कि 250 नंबर का होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। इसमें सेकेंड पेपर आपका जनरल स्टडीज, एसे और कॉम्प्रिहेंशन का होगा, जो कि 200 नंबर का पेपर होगा। ये क्वेश्चन पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा, लेकिन इसमें प्रिसाइज राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन कंपोनेंट और कम्युनिकेशन लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन जो है केवल इंग्लिश में पूछे जाएंगे। सेकेंड पेपर पास कर लेने के बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। उसके बाद आपका मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको 100 मीटर रेस करनी होगी 16 सेकंड में, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, और फीमेल कैंडिडेट को 18 सेकंड दिए जाएंगे। 800 मीटर आपको रेस करनी होगी 3 मिनट 45 सेकंड में, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं। लेकिन अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 800 मीटर 4 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी होगी। अगर लॉन्ग जंप की बात करें तो मेल कैंडिडेट को 3.5 मीटर लॉन्ग जंप करनी होगी, जिसके लिए 3 चांस दिए जाएंगे, और फीमेल कैंडिडेट को 3 मीटर लॉन्ग जंप करनी होगी, जिसके लिए 3 चांस दिए जाएंगे। उसके बाद शॉट पुट होगा, जो कि 7.26 किलो का होगा, ये केवल मेल कैंडिडेट का होगा, जो कि 4.5 मीटर का होगा। अब बात करते हैं इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट के एग्जाम पैटर्न की। तो पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू जो है आपका 150 नंबर का होगा। इसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो अब बात करते हैं डिटेल में सिलेबस की। तो सबसे पहले बात करेंगे पेपर 1 जनरल एबिलिटी तथा इंटेलिजेंस के सिलेबस की। इसमें पहला टॉपिक आपका जो है जनरल मेंटल एबिलिटी का है, जिसमें आपसे लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी तथा डेटा इंटरप्रिटेशन भी पूछा जाएगा। सेकंड टॉपिक आपका जनरल साइंस का है, जिसमें आपसे जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइंटिफिक टेंपर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कॉम्प्रिहेंशन और अप्रिसिएशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि साइंटिफिक फिनोमेना ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड होंगे, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस आदि। इसके अलावा तीसरा टॉपिक आपका करेंट इवेंट ऑफ नेशनल तथा इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है। इसमें आपसे कल्चर, म्यूजिक, आर्ट, लिटरेचर, स्पोर्ट, गवर्नेंस, सोशल तथा डेवलपमेंट इशू, इंडस्ट्री, बिजनेस तथा ग्लोबलाइजेशन, इन सब से रिलेटेड नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपसे पॉलिटिकल सिस्टम तथा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से क्वेश्चन होंगे, सोशल सिस्टम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया तथा रीजनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी इशू और ह्यूमन राइट इंक्लूडिंग इंडिकेटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पांचवा टॉपिक आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया होगा, जिसमें आपसे हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फर्स्ट पेपर का जो लास्ट टॉपिक है इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी है। इसमें आपसे फिजिकल जियोग्राफी, सोशल तथा इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ जियोग्राफी, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और लास्ट टॉपिक आपका इंडियन तथा वर्ल्ड जियोग्राफी है। अब बात करते हैं सेकेंड पेपर की, जो कि जनरल स्टडीज, एसे और कॉम्प्रिहेंशन का होगा। इसमें पहले पार्ट में आपसे एसे पूछा जाएगा, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। एसे जो है आपका 80 नंबर का होगा। अगर टॉपिक की बात करें तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री,
जिसमें फ्रीडम स्ट्रगल्स ऐसे पूछे जा सकते हैं। अगर टॉपिक की बात करें तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जिसमें आपसे फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड ऐसे पूछे जा सकते हैं। जियोग्राफी तथा पॉलिटी एंड इकोनॉमी, या फिर नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट इशू, इन सबसे रिलेटेड ऐसे पूछे जा सकते हैं। सेकेंड पार्ट जो है इसका कॉम्प्रिहेंशन तथा प्रिसाइज राइटिंग और अदर कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल का होगा, जो कि 120 नंबर का होगा। ये पेपर जो है आपका इंग्लिश में होगा केवल। अब बात करते हैं डिटेल में फिजिकल स्टैंडर्ड की। तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर तथा फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपका सीना 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर फुलाने पर फूलना चाहिए। लेकिन अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपका सीना नहीं मापा जाएगा। अगर वेट की बात करें तो मेल कैंडिडेट का वेट मिनिमम 50 किलोग्राम और फीमेल कैंडिडेट का वेट जो है मिनिमम 46 किलोग्राम होना चाहिए। अब बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड की। तो यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में डिटेल में दिया गया है, आप इस PDF को डाउनलोड कर लें। इसके अलावा हाइट के अनुसार आपका वजन कितना होना चाहिए, यहाँ पर टेबल दी गई है, आप इसके अनुसार अपनी एज और हाइट तथा वेट के बारे में पता कर सकते हैं। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। इसके साथ ही इससे रिलेटेड कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।